Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Dr. Vidya's Management Study, and today we are going to cover one of the personality assessment test, that is the thematic apperception test. It is also known as a TAT. It is very easy to understand the test to analyze the personality. So let's begin with the session. We have already covered there are different tools, that is the MBTI, Myers-Briggs type indicator, Big Five personality model, Ross-Ingbot test, and today we are going to focus on a thematic apperception test. जिन्होंने earlier जो test है model है वो miss out किए हैं, please उसकी link description box में check करना. Okay, so what is actually this TAT? Thematic apperception test. This is the projective personality test. So what exactly the projective test? Projective test is designed to let a person respond to ambiguous stimuli that revealing what had happened, their hidden emotions or interpersonal conflicts that has been projected by the person into it. And with the help of what? The pictures, जो हमने पहले भी Ingbot में देखा था. Ingbot is also the projective personality test. ये जो thematic apperception test है, that is developed by the Henry Murray and Christina Morgan at the Harvard University in 1930. ओके ये जो हेनरी मुरे और क्रिस्टीना मॉर्गन ने ये जो टेस्ट है डेवलप की है. ये कभी कभी एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है. ओके सो दिस टेस्ट इज यूज टू रिवील द एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी विच इज़ बेस्ड ऑन द स्टोरी दे हैव टोल्ड. आप बोलेंगे कि स्टोरी के ऊपर कैसे पर्सनालिटी समझ में आएगी, तो इस टेस्ट में ऐसा ही है कुछ कि कुछ आपको इमेजेस दिखाए जाते हैं, उस इमेजेस जो भी पिक्चर्स है उसके ऊपर यू हैव टू मेक अ स्टोरी एंड वॉट एवर यू आर सेइंग दैट स्टोरी और नरेट हम बोलते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट स्टोरी आपकी पर्सनालिटी को जज किया जाता है, असेस किया जाता है. सो इन दैट वे विद द ऑन द बेसिस ऑफ योर स्टोरी दे हैव असेस योर इनर ड्राइव्स, योर मोटिव्स एंड टू असेस द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. सो टैट इज शोविंग द पीपल अ सीरीज ऑफ पिक्चर कार्ड्स. Ingbot में देखो वहाँ पे भी कार्ड्स दिखाए जाते थे, बट दैट इज द जो सिक्वेंस हम बोलते हैं ना, पजलिंग था, जो भी वो Ingbot के जो इमेजेस होते थे ना उनको दिखाया जाता था. यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपको कुछ ऐसे ही इमेजेस या पिक्चर्स दिखाए जाएंगे, वो स्केच वाले होंगे. ओके यहाँ पे Ingbot नहीं है. सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रॉस टेस्ट और द Ingbot टेस्ट एंड द टैट. ओके सो हियर द वराइटी ऑफ एम्बिगुअस कैरेक्टर्स आर देयर. द कैरेक्टर्स दैट इंक्लूड्स द मेन विमेन, देयर कैन बी अ चिल्ड्रन, देयर विल बी एनी सीन्स और द सिचुएशन एंड दैट सब्जेक्ट और दैट क्लाइंट आर asked to tell as a dramatic story. जो भी उनको images उनको दिखाए गए हैं on that basis they have to tell the dramatic story. कि उस story में क्या जो भी cards दिखाए जाते थे उनको, तो what is the theme of the card, what you have seen in the card, ऐसे question उनको पूछा है कि इस card से आपको क्या theme लग रही है, what you have seen in the card, what is happening in the scenes, क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, what are the thoughts and the feelings of that particular character, उसके मन में क्या चल रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि उसका आउटकम क्या रहेगा, व्हाट विल हैपन इन द स्टोरी. जैसे हमें पता है कि कोई भी स्टोरी रहते हैं उसमें कुछ कैरेक्टर्स रहते हैं, कुछ इनिशियल, कुछ पहले हम बोलते हैं ना तीन अगर हिस्सों में उसको बांटा गया तो इनिशियल जो स्टोरी होती है, फिर बीच में मेजर कोई इंसिडेंस होगा एंड एट द एंड कंक्लूजन पार्ट वाला होता है, राइट. सो सेम ईयर आपको भी ऐसी स्टोरी बताने जिसमें कैरेक्टर होंगे जो वो इमेजेस देके यू कैन कोरिलेट और यू कैन टेल दैट पर्टिकुलर ड्रामेटिक स्टोरी विच हैज़ इंक्लूडिंग दैट द फीलिंग्स और आउटकम ऑफ द पर्टिकुलर स्टोरी. सो दिस टैट एक्चुअली इसके जो कार्ड्स थे टोटली 31 कार्ड वॉज देयर. ओके सो मुरे ओरिजिनली रिकमेंडेड यूजिंग अप्रोक्सीमेटली अबाउट 20 कार्ड्स एंड देन सिलेक्ट दोज दैट आर डिपिक्टेड कैरेक्टर सिमिलर टू द सब्जेक्ट. तो कंपेरेटिवली अगर हमने देखा, जिन्होंने पहला वाला सेशन देखा होगा रॉस टेस्ट का, तो उसमें जो कार्ड्स थे ना वो 10 Ingbot थे और यहाँ पे जो है टैट का दैट इज़ 31 कार्ड्स. ओके
दीज आर दी टैट के जो हम कार्ड्स बोल सकते हैं उनको, कि यहाँ पे आप देख सकते हो कैरेक्टर्स है, कुछ सिचुएशंस है, ओके okay? तो इसके ऊपर जो भी जो सब्जेक्ट है उसको स्टोरी बतानी पड़ती है, ओके okay? सो व्हाई द टैट इज़ यूज, क्या है, टू लर्न मोर अबाउट द पर्सन, वो पर्सन कैसा है, तो समहाउ एक आइस ब्रेकर सेशन हम उसको बोल सकते हैं. सो इमोशनली जो कन्फ्लिक्ट है क्लाइंट के बारे में, तो वो ओपन अप हो सकता है, राइट, टू हेल्प पीपल एक्सप्रेस देयर फीलिंग, ओके, बाई शोइंग दिस इमेजेस दे कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स अबाउट दैट पर्टिकुलर इमेजेस एंड देर परस्पेक्टिव, हम उनके इमोशन का जो परस्पेक्टिव है दैट वी कैन असिस. नेक्स्ट इज़ वॉट, टू एक्सप्लोर देमसेल्फ रिलेटेड टू द पर्सनस लाइफ एक्सपीरियंस. क्या होता है कि उनको इमेजेस दिखाए जाते थे और ऑन दैट बेसिस उनको रिलेट करना है कि शायद किसी के साथ वो पहले कुछ इंसिडेंट्स हो गए होंगे या उसको रिलेट करके, शायद वो अगर पॉजिटिव नोट वाला होगा तो मे बी उनकी स्टोरी वैसी होगी, अगर निगेटिव या थोड़ा सैड बैकग्राउंड से है तो शायद उनकी स्टोरी ऐसे ही होगी. तो जिस तरीके से वो बता रहे हैं ऑन दैट बेसिस उनकी पर्सनैलिटी को असेस किया जाता है. टू असेस द समवन्स साइकोलॉजिकल कंडीशंस, because this is the tools where they are checking whether is there any disorder about your personality or not, to evaluate the crime suspects. So clinical administer the test to criminals to assess the risk of recidivism, determine if a person matches the profile of the crime suspect. And the next is what, to screen the job candidate. So it is also using to especially to whether that job is suited to that particular person or not, okay. So merit of TAT kya hai, this, so first one is to predict the subject's life and the condition, uske thought process kya hai, uske feelings kya hai, how that person is going to express their feelings, to know about the psychological problem which is associated with that particular person, and also to test the personality disorder if it is any having, and to assess the crime suspect by analyzing the story explained by them. Jis tarike se wo story ko batayega na, us tarike se samajh mein aata hai ki usse related kuch incidents hue hai ya nahi. Demerit of the TAT, some says that cards are not standardized, some says that cards are old dated or old fashioned, some they are believe that these cards include the more negative story. तो ऐसा होता है ना कि images ही negative है तो शायद story भी वैसी होगी तो हमारी personality भी negative, ऐसे किसी लोगों का मानना है. तो this is all about this TAT. I hope now you understand the concept. ओके सो कंपैरिजन याद रखना कि जो रॉस टेस्ट था उसमें 10 इंक ब्लॉट्स थे और यहाँ पे 31 जो इमेजेस थे, उस इमेजेस को देख के आपको स्टोरी बतानी होती है. सो थैंक यू सो मच, बाय.